नमस्कार, मैं अंकुश और आप जुड़े द फैक्ट के साथ। जानते हैं आज के यूथ से कि ये क्या ये कितना प्रभावित हुआ है बाबा राम रहीम से, या ये क्या खुलासे करता है बाबा के बारे में। जी, आपका नाम? किरण। क्वालिफिकेशन? BCA सेकंड ईयर। आप भी डेरा से जुड़ी हैं? हाँ जी। इस उम्र में आपको डेरा से जुड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम आगे कुछ करना चाहते हैं, हमारी यंग एज है, अब अभी से सुधर जाएंगे तो हम आगे तक सुधर जाएंगे। जी, पर आप तो एक समझदार नौजवान हैं, इतना कुछ देख रहे हैं आप बाबा के बारे में, फिर भी इतना कुछ देख रहे हैं, जब भी तो जुड़े हुए हैं, हमें पता है असलियत क्या है। लोगों को गलत लगता हो, पर हमें तो फैक्ट पता है क्या है अंदर। जी, हमें भी बताइए फिर, वो फैक्ट है क्या? वो फैक्ट जो भी ये न्यूज़ में गलत अफवाहें हैं, ये सब गलत वीडियोस, गलत इंजाम लगाए हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। असलियत में ये सब है नहीं, वो लड़कियों को हमेशा ऊपर रखते हैं और वो गलत करने की तो सोच भी नहीं सकते। और इस बारे में तो हम बिल्कुल विश्वास कर ही नहीं सकते, आँख बंद करके विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं। जी, किस तरह का व्यवहार था गुरुजी का? गुरुजी का बहुत अच्छा व्यवहार है, वो हमें अच्छी अच्छी सीखें देते हैं, लोगों की भलाई करो, अपने मम्मी पापा की इज्जत करो, सबकी, मतलब ये उनका कार्य क्या है, सबकी हेल्प करो। जी, मेन मोटिव उनका ये है। जी, टीवी में भी देखा है, समाचारों में भी पढ़ा है कि 134 से ज्यादा मानवता भलाई कार्य चलाता है डेरा सच्चा सौदा। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या होते भी हैं? होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? बार न्यूज में, ट्विटर्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में दिखाए जाते हैं 134 कार्य, तो ये कोई ऐसे बोलने की बात नहीं है, ये होते ही हैं। किस तरह के कार्य होते हैं वैसे? ये कार्य हर उसमें होते हैं, किसी भी फील्ड में ले लो, जैसे हो गए पक्षियों के लिए, हो गए मानवता के लिए, हो गए एजुकेशन के लिए, हो गया कुछ भी हो गया। जी, गुरुजी हर कार्य सिर्फ अपने फॉलोवर्स के लिए करते हैं या कुछ समाज के लिए भी करते हैं? ये सबके लिए करते हैं, उनके लिए कोई सारे इक्वल हैं। जी, और वो चाहते हैं कि वो सब, मतलब पाखंडों से दूर होके सीधा भगवान के दर्शन करें। जी, इसलिए कोई उनका फॉलोवर्स नहीं है, वो सबकी वो करते हैं। जी, लोगों से तो हमने सुना है कि डेरा में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं, और आप एक लड़की होकर डेरा जा रही हैं। आपको लगता है मैं अनसेफ हूँ यहाँ पे डेरे में? ये तो आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम अनसेफ होते तो हम क्यों आते? हमें क्या यहाँ पे कोई रिश्वत मिल रही है? जी, हम तो वहीं जाएंगे जो हम जहाँ हमें सेफ लगेगा। जी, ऐसे गुरु की आज के समाज को जरूरत है? वो तो जरूरत, उनकी तो जरूरत हमेशा ही रहेगी, उनकी तो कमी हमेशा ही रहेगी, वो जब तक नहीं आते, आई हो वो जल्द से जल्द आएंगे, हमें इतना विश्वास है।